जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल UGC में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे यानी ग्राम सचिव का। अभी दिसंबर में ग्राम सचिव के एग्जाम होने वाले हैं, 30 दिन बाकी है, लेकिन मैं 30 दिन का जिक्र नहीं कर रहा, मैं कितने दिन का जिक्र कर रहा हूँ, 20 दिन का। मेरा है मजबूत इरादा, मैं करता हूँ आपको 70+ का वादा। आप बने रहिए साथ में, हम जिक्र करते हैं। यानी सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जीके की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की और GS की। किस तरह से प्लान बताऊंगा आपको कि आपके 70+ नंबर आ जाए। कुछ बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा ये कैसा प्लान है कि इसमें 70+ यानी 20 दिन में 70+ आ जाए। तो आपने देखा होगा सरपंची के इलेक्शन होते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, जिसमें कुछ होते हैं में स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे होते हैं और कुछ में क्या होता है एन मेन टाइम पे कोई कैंडिडेट आता है वो बाजी मार जाता है, उसी तरह का ये प्लान है। ठीक है, तो बात करते हैं भी ये प्लान किस तरह से बनाए और किस तरह से किया जाए। तो बात करते हैं हरियाणा जीके की, तो 25% रेशो किसका रहता है, हरियाणा जीके का रहता है। तो हरियाणा जीके में 25% यानी 25 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम नहीं आने वाला। कितने नंबर आने वाला है, 90 नंबर का। तो बात करते हैं यहाँ 22 या 23 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए वो 22 या 23 क्वेश्चन हमारे सही हो जाए इसके लिए क्या करें। तो उसके लिए 10 नंबर की मैं बात बताता हूँ आपको, इसमें से 10 नंबर क्या करेंगे आप, जो पुराने पेपर हुए हैं आपके, आज तक जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनमें आप हरियाणा जीके के क्वेश्चन देखो, उनमें से 10 क्वेश्चन आपको इस परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बात रही उसके बाद में 12 या 13 क्वेश्चन की, उसके लिए आप क्या करो, हरियाणा जीके की कोई भी बुक उठाओ, कोई भी बुक आपके पास एक्सपेंसिव कोई भी बुक है, कोई भी बुक गलत नहीं होती भी, सभी में डाटा स्टेटिक जो जीके का जो डाटा है वो सेम ही रहता है, कोई किसी में चेंज नहीं होता। हरियाणा राज्य एक नंबर 1966 को बना था, वो किसी बुक में देख लो भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा जीके तो बुक है, उसको आप 5 दिन का टारगेट रखो, उसको 5 दिन में आपको पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी जीत के लिए जुनून जरूरी है। जिस इंसान के अंदर क्या होगा, जुनून होगा वो जरूर कामयाब होता है। आपके आस पड़ोस में कोई भी कैंडिडेट देख लो जिसके अंदर क्या है, जुनून है ना, वो जरूर कामयाब होता है। बात करते हैं उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी की बात करते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं बड़ी आसान है, लेकिन आसान है ना, तो एक बार मैं बोलता हूँ अगर 6 नंबर के आने वाले, 7 नंबर के आने वाले, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है, पुराने पेपर देखो, उसमें जो भी टॉपिक आए हुए हैं, जो टॉपिक आए हैं उनके लिए आप 2 दिन निकालो, 2 दिन में मुझे जो भी टॉपिक है उनको एक बार देखना है भी किस तरह से टॉपिक है, किसमें क्या करना है, जिससे कोई समास आया हुआ है या अलंकार आए हुए हैं, जो भी आया हुआ है XYZ जो भी आए हुए हैं उनको आप 2 दिन में कवर करना है। आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी कामयाब इंसान हो सकता है। इसके बाद में मैथ की बात करते हैं, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। हर बच्चे के मन में क्या होता है, जिसको आता है ना उसको आता है, जिसको नहीं आता वो बच्चा क्या सोचता है कि मेरे 3 क्वेश्चन तो कैसे सही हो जाएंगे, उसके बाद में बच्चे 4 या 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। अरे एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन या एक नंबर इतनी बड़ी मायने रखता है कि एक क्वेश्चन सही होना तो सिलेक्शन हो जाता है, एक क्वेश्चन गलत हो हम रुक जाते हैं और 1 नंबर से 1 लाख पीछे चले जाते हैं और 1 लाख आगे चले जाते हैं। जिन बच्चों उन बच्चों को देखो आज वीडियो देख रहे होंगे जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया था, एक एक नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है, इतना बड़ा कंपटीशन आज के टाइम में, तो इसलिए एक एक नंबर, इसके लिए आप क्या करो हर रोज एक चैप्टर करोगे, हर रोज चैप्टर करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, मैथ एक ऐसी चीज है हर रोज प्रैक्टिस करो इसकी, हर रोज एक चैप्टर करो आप, कि एक आपको 1 घंटा लगे चाहिए आपको 2 घंटा लगे, इसके लिए अलग से टाइम निकालो, हर रोज एक चैप्टर करो। मैंने बताया 20 दिन, अगर आप 20 दिन ना कर सको तो 17-18 चैप्टर है वो आप कवर कर लो, हर रोज एक चैप्टर करोगे। इसके बाद में मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, बड़ी आसान होती है, ज्यादा टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 8 नंबर के आए जिसके 7 क्वेश्चन सही ना हो, सभी के होते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए भी आप जो टॉपिक है, कुछ एक टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको नए आते हो एक बार देखना जरूरी है, तो इसके लिए आपको 1 दिन का टाइम देना चाहिए, सिर्फ 1 दिन में, 1 दिन में कवर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं GST, उसके बाद में GS की बात करते हैं, तो यही रेशो रहता है 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं इसके लिए,
30 से 35 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें साइंस साइंस मैन होते हैं, इसमें साइंस मैन होते बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, हर में से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के तीन या चार क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा ही मिल लगा। इसमें से स्ट्रेटेजी के पूछ ली जाती है, जैसे जनगणना से संबंधित बात करें तो वो ना, उससे ज्यादा आप साइंस पे ज्यादा फोकस करो। इसके लिए आप कितने दिन दो, सिलेबस बड़ा लंबा है तो इसके लिए आप कितने दिन दो, सात दिन दो। सात दिन में आपको क्या करना है, तीन दिन आपको किसको देने हैं, साइंस को देने हैं, तीन दिन किसको देने हैं, अकेले साइंस को देने हैं, क्योंकि साइंस में से 10 या 15 क्वेश्चन कोई भी पेपर में, अगर बोल रहा हूं तो आप ओल्ड पेपर कोई भी उठा लो उसमें देख लो, 15 क्वेश्चन आपको 100% साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको, साइंस को दो यहाँ। ठीक है, उसके बाद में जो जीएस का जो भी बचता है उसको दो। आपको 7 दिन का टारगेट होना चाहिए, 7 दिन में ये मुझे जरूर करना है, जरूर करना है। तो इसके बीच में एक बात भी मैं बोलना चाहूंगा, कुछ एक बच्चों के मन में हो रहा है ये कैसा प्लान है, इससे कैसे हो जाएगा, प्लान है, प्लान के तहत अगर आप काम करोगे तो जरूर हो जाएगा। एक बात बोलना चाहूंगा, जिंदगी हो या ताश का खेल, जिंदगी हो या ताश का खेल, हमें इक्का तभी निकालना चाहिए जब सामने वाला क्या निकाले, बादशाह निकाले। और ये हमारा क्या हुक्म का इक्का है, क्या अभी हुक्म का इक्का है, भी सामने वाला बादशाह निकाले और हमारे पास हुक्म का इक्का हो तो कौन हारता है, सामने वाला हारता है। अगर कोई ताश खेलता है तो उसको पता भी होगा भी। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये बातें हैं, इसके द्वारा हम बहुत ज्यादा आसानी से हम अपना सिलेबस जो वो कवर कर सकते हैं। बात करते हैं 5 दिन यहाँ लगे, 7 दिन यहाँ लगे, 12 दिन, 2 दिन यहाँ लगे, 12 2 14 और 1 दिन मैंने यहाँ बताया 15 दिन बच्चे आपके, 5 दिन की बात करते हैं, मैंने 20 दिन का टारगेट बताया, उनमें से 1 या 2 दिन आपके खराब भी हो जाते हैं। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र से हम अगर रहते हैं तो वहां भी अगर काम हो जाता है, शहरी क्षेत्र से तो वहां भी वो काम हो जाते हैं। बच्चे तीन दिन में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं 5 दिन में आपको कवर हो जाए, तो 6 दिन का टारगेट रख सकते हो। इस तरह से आप 20 दिन में आपको रिवाइज कर सकते हो। इसके बीच में एक बात और बोलना चाहूंगा आपको, जैसे ग्राम सचिव की परीक्षा होने वाली है, जिस डिपार्टमेंट से जो परीक्षा होती है उस डिपार्टमेंट से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं आपको। यानी ग्राम सचिव की परीक्षा होने वाली है तो पंचायती राज से संबंधित आपके 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मेरी YouTube चैनल पे वीडियो पड़ी है ग्राम सचिव से संबंधित, वहां से वीडियो देख सकते हैं। किसी और चैनल से देखना चाहो तो वहीं से देख सकते हो, आपकी इंटरेस्ट की बात अभी मैं कोऑपरेशन नहीं कर रहा है इस पे, तो वहां से आप देख सकते हो, वहां से 4 या 5 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। तो इस तरह से आप 70+ नंबर वो आराम से हासिल कर सकते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी डिमोटिवेट हो चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो बार बार परीक्षा देते हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ अगर आप में से अगर 50% बच्चों को अगर इस प्लान का फायदा होता है तो मैं अपने आपको बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझूंगा। और ये प्लान है 20 दिन का बताया है, आगे के 2-10 दिन बचते हैं उनके बाद मैं प्लान बताने वाला हूँ आपको, अब आपको क्या करना है। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।